అయ్యో నమస్కారం లాలూజీ. ఇడ్లీ డోసా జైసా ఆవాజ్ లగ్ రహా హై. ఆప్ కౌన్ బోల్ రహే హై? మై రజనీకాంత్ బోల్తా ఫ్రమ్ చెన్నై. అరే రజనీకాంత్ జీ నమస్కారం. వణక్కం లాలూజీ, ఆప్ కైసా హై అన్నా? कैसे रहेंगे आपके अन्ना, खा रहे हैं जेल में गुड़ और चना. ऐसा कैसा होता? मैं हूँ जनसंघी विरोधी नेता. सुनते हैं आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं? यस लालू जी, मैं नया पार्टी बनाता, मैं तमिलनाडु का नया नेता होता. ये जनसंघी लोग के खिलाफ लड़िएगा रजनीकांत जी, ये सब आपको लुंगी डांस करा देगा. आपका जैसा बड़ा नेता को भी जेल जाना पड़ा लालू जी? अरे बड़ा छोटा कोई नहीं होता है रजनीकांत जी, बड़ा कौन होता है? अरे दही में जो डाला गया वही बड़ा होता है. लालू जी आप सही कहता, सांभर में जो डाला जाता वही बड़ा होता. ये बुढ़ारे में पॉलिटिक्स में आकर अपना गिंजन काहे कराना चाहते हैं रजनीकांत जी? जयललिता जी, राजा जी, कनिमोजी जी, शशिकला जी, ये सब लोग जेल का रोटी तोड़ लिए और तब भी आपको सीख नहीं मिला. कितना अच्छा नया नया हीरोइन के साथ आप डांस करते हैं, ये का पॉलिटिक्स में आने के फेरा में लग गए? चिरंजीवी जी का हाल नहीं देखे, टाइम टाइम फिस हो गया. नहीं लालू जी, मैं तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा, मैं तमिलनाडु जनता का नेता होता, मैं थलाईवर होता. आप भले ही थलाईवर होता, अगर जेल आता तो थाली भर खाना भी नहीं नसीब होता. और आपका दामाद का क्या हाल है, वो कोलावेरी डी वाला? वो मेरा दामाद, वो तो धनुष नाम है उसका. अरे बाप रे, इस धनुष का नाम सुन के हमारा तो पसीने छूट गया रजनीकांत जी. ऐसा कैसा? अरे धनुष का याद आया तो तीर छाप भी याद आ गया. हमारा छोटा भाई ऐसा न तीर मारी स कि हम तो छितरा ही गए, हमारा पूरा परिवार छितरा गया. मेरा दामाद तो गाता है, डांस करता है. देखिए रजनीकांत जी, डांस तो मेरा दामाद भी करता है, लेकिन आपका दामाद जो है सिनेमा में डांस करता है और हमारा दामाद सीबीआई के सामने डांस करता है. रजनीकांत जी, आपके सिगरेट पीने के स्टाइल का पूरा बिहार फैन है, इंक्लूडिंग झारखंड. अच्छा रजनीकांत जी, ये बताइए कि जो आपका डिप्टी सीएम है पनीर सेल्वन, ये कौन बिरादरी का है? मेरे को नहीं पता लालू जी. नहीं, हमने तो इसलिए पूछा कि इनके नाम में पनीर लगा हुआ है, तो दूध दही पनीर का काम करने वाले लोग तो हमारे ही बिरादरी के होते हैं. Shake it.